पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं गाजियाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सिहानी गेट थाना एरिया के राजनगर एक्सटेंशन से बीते 27 अक्टूबर को गायब हुए कारोबारी पराग घोष को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। आपको बता दें कि व्यापारी पराग घोष घर से किसी काम के लिए निकले थे और वापस नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई थी। वहीं पुलिस ने महज 10 दिन में कोलकाता से व्यापारी को बरामद कर लिया, जिसके बाद पता चला कि व्यापारी का अपहरण नहीं हुआ था बल्कि आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते व्यापारी खुद ही घर से चला गया था। वहीं एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि रहस्यमय तरीके से गुमशुदा हुए व्यापारी पराग घोष को बरामद किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो अपनी मर्जी से ही दिल्ली से हिमाचल और फिर कोलकाता चले गए थे। जब और जानकारी की गई तो कल इनका ये पाया गया कि वहाँ हिमाचल से भी कोलकाता मूव कर गए हैं। मामले की नज़ाकत को देखते हुए रात में ही फ्लाइट द्वारा पुलिस की टीम रवाना की गई थी और आज सुबह इनको सकुशल कोलकाता से रिकवर कर लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने अपनी कुशलता प्रकट की है और ये बताया है कि अपनी इच्छा से ही जो है इस तरह से इतने दिन विचरण कर रहे थे, और साथ ही इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्थिति का भी हवाला दिया है। अभी इनसे पूछताछ आगे जारी है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है।